हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हिमलता। हैप्पी करवा चौथ आप सबको पहले तो। और आज ना सुबह से मुझे एक गाइडेंस आ रही थी कि डिवाइन प्रोटेक्शन रेकी आपको अटून करना है, लेकिन आज करवा चौथ का व्रत है तो थोड़ी पावर कम हो रही थी तो इग्नोर कर रही थी मैं। लेकिन अब मैं जब पूजा करके आई, जो हमारे में पूजा करते हैं थाली, हम लोग वो थाली घुमा कर पूजा करते हैं, तो वो करने के बाद से मुझे बहुत ज़बरदस्त ऐसे फीलिंग आ रही है कि नहीं ये करना है। तो मुझे लगा कि डिवाइन ये सिग्नल है, करना है, तो फिर कर देते हैं। और इस बार एक मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। एक्चुअली क्या है, मेरे पास जब आप लोग यहाँ से अटूनमेंट लेते हैं तो मुझे बहुत सारे लोगों का ऐसा मैसेज आता है कि ये बुक हमें हिंदी में दो। तो ये बुक्स क्या मेरे पास हिंदी में होती नहीं है। मैं अपनी बुक्स लिखती हूँ हिंदी में, कई बुक्स को मैं ट्रांसलेट भी करती हूँ, उनकी ऑडियोज़ बना देती हूँ मैं। कई बुक्स लिखती नहीं मैं, उनके वीडियो ऑडियो बना देती हूँ। तो मुझे लगा कि यहीं पर ही मुझे इस चीज़ को अब समझा देना चाहिए हिंदी में, तो जिससे कि जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम है वो यहाँ से हिंदी में समझ सकें अच्छे से। तो यहाँ पर मैं जो मैं डिवाइन प्रोटेक्शन रेकी आपको अटूनमेंट देने वाली हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है? क्योंकि वो तो मुझे भी ध्यान में बैठ के करना होगा, तो वो मैं यहाँ से डायरेक्ट नहीं देकर और जिस तरह से पहले मेरे अटूनमेंट्स होते हैं उसी तरह से दूंगी। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। और यहाँ मैं आपको ये समझा देती हूँ कि ये रेकी क्या है और किस तरह से आपको ये काम आएगी, ठीक है? देखिए, ये रेकी जो है लिलिन जी की खोज है, ठीक है? और इसको थोड़ा सा लेने का तरीका भी अलग है, इसमें आपको मेरी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये बुक मिल जाती है तो आप इसको खुद ही ले सकते हैं अटूनमेंट, लेकिन कई लोग खुद नहीं ले पाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आपको देती हूँ। आपने नोट किया होगा कई बुक्स जो मैं शेयर करती हूँ उनमें लिखा होता है कि सेल्फ अटूनमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन सेल्फ अटूनमेंट कई लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं होता है और करना भी नहीं आता है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको चैनल करती हूँ। तो यहाँ हम जो अटूनमेंट करेंगे डिवाइन प्रोटेक्शन रेकी, वो किस तरह से आपको काम आएगी, इसमें एक तो एक ही सिंबल है ओम, जो ओम हम यूज़ करते हैं, ठीक है? वही एक सिंबल है ओम, और एंजल माइकल जी की हेल्प से हम प्रोटेक्शन करते हैं। तो डिवाइन प्रोटेक्शन मतलब आपकी चीज़ों को डिवाइन का प्रोटेक्शन मिलेगा। तो कैसे मिलेगा, किस किस चीज़ में कैसे कैसे कर सकते हैं हम, यहाँ पर हम वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जो रेकी है आपको एक प्रोटेक्शन में और एक जो हमारी फीलिंग होती है वननेस की, कि भी हम एक हैं सूर्य चांद और ये जो जितनी भी डिवाइन चीज़ें हैं उन सब के साथ हम एक हैं, वननेस की फीलिंग, उसके लिए ये रेकी आपको हेल्प करेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको जो है फिजिक हार्म आ रहा है, कोई फिजिकली हार्म आपको, ऐसे कभी कभी हमें कैसे लगता है ना, बैठे बैठे हमें बॉडी में पेन चालू हो जाता है या लेजीनेस फील हो जाती है, यानी कि फिजिक अटैक, फिजिक हार्म हो रहा है, अटैक नहीं। फिजिक अटैक एक अलग चीज़ होती है, उसमें बहुत ज़्यादा किसी को मारने लग जाते हैं या खुद को मारने लग जाते हैं, चीज़ें तोड़ने लग जाते हैं, वो फिजिक अटैक हो गया। ये फिजिक हार्म मतलब आपको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है? तो ये वो फिजिक हार्म है। तो यहाँ इसमें आपको कैसे करना है, डिवाइन प्रोटेक्शन रेकी, डिवाइन प्रोटेक्शन रेकी ये बोलते ही ये अटूनमेंट के बाद, लेकिन आपने अगर अटूनमेंट नहीं लिया तो पहले अटूनमेंट लीजिए, ठीक है? और मेरी वीडियोस को शेयर भी कीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले। प्रोटेक्शन लीजिए और सॉरी अटूनमेंट लीजिए, उसके बाद आप ये कर सकते हैं, ठीक है? तो डिवाइन प्रोटेक्शन रेकी, और ये रेकी ऐसा नहीं है जैसे ज़्यादातर रेकी जो होती हैं हमारी वो सेकंड लेवल के बाद होती हैं, तो वो सेकंड लेवल के बाद वाले नहीं, ये कोई भी कर सकता है, ठीक है? तो ये फिजिक हार्म में आपको कैसे करनी है, एंजल आर्कएंजल माइकल, सिर्फ इतना याद करना है, तीन बार याद करें। देखिए क्या है कि मैं अभी कुछ दिनों से ये चीज़ नोट कर रही हूँ कि जब मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ती है तो जो चीज़ को आप नहीं करना चाहते हैं वो भी सोचते हैं तो वो मैनिफेस्ट हो जाता है,
ठीक है, जैसे आपने मान लीजिए किसी को कोई बहाना लगा दिया कि भाई मेरे को कल बुखार था इसलिए मैं नहीं आ पाया, तो वो सच में आपको हो जाएगा, क्योंकि जब आपके लिए मैनिफेस्टिव पावर बढ़ती है तो वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है। तो यहाँ पर आप अपने माइंड को इस तरह से प्रिपेयर करें कि आप 7 times जो है बोलें, क्योंकि जब 3 times की तो क्या, अगर आप हीलर हैं तो प्रैक्टिस हो जाती है, आप सिम्बल्स को भी 3 बार बोलते हैं, उनको भी 3 बार बोलते हैं, और किसी को अगर आप बहाना मार रहे हैं कोई तो वो वैसे भी बहुत बार बोल देते हैं। बहाना मारने की बात अलग है, कभी कभी हमें कोई किसी किसी चीज़ में झूठ बोलना भी पड़ जाता है। तो 7 days तक 7 बार बोलने से या कुछ भी अपना एक ऐसा बना सकते हैं कि जो चीज़ आपको मैनिफेस्ट करनी है वो चीज़ को अगर आप इतनी बार बोलें तो ही मैनिफेस्ट हो। तो इस तरह का कुछ ना कुछ आप अपना बनाएं, ठीक है। अब आपको फिजिक हार्म हो रहा है अगर, तो आप मेरे ख्याल से हार्म और ये अटैक में डिफरेंस समझ गए होंगे। तो हार्म हो रहा है तो सिर्फ ओनली एंजल आर्कएंजल माइकल जी को याद करें तो वो आपको आपको इफेक्ट आने लगेगा। अब आप वहाँ कुछ भी नहीं बोलेंगे, एक तो वो आपकी जो मन की फीलिंग है वो जानते ही हैं, और दूसरा जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो जानता है कि आप किस लिए उन्हें बुला रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके जो ओरा है उसको क्लीन करना चाहते हैं। आपको कोई ऐसा फील होता है कभी कभी कि आपके साथ कोई है, आप किसी किसी को फील होता है कि कोई स्पिरिट है उसके साथ, तो आप ओरा को अपने क्लीन करना चाहते हैं, तो आपको क्या बोलना है, क्लीन मी बाय रिमूविंग ऑल नेगेटिव थॉट्स। आपका ओरा हैवी, हमारे जो आपको कभी भी कोई भी चीज़ में इजी हो तो सबसे पहले अपना ओरा क्लीन करें, ठीक है। जैसे आपको ऐसा फील होगा कि कुछ है हमारे साथ में, या किसी और की फीलिंग आ रही है, या आपको ऐसा लगे कि आपकी तबीयत ख़राब होने वाली है, इट मीन्स आपके ओरा में वो आ गया है और अब आपको फिजिकल बॉडी में आने वाला है, तो उस टाइम पे आप ये ओरा को अपनी क्लीन करें, कोई भी मेथड से करें। अगर इससे कर रहे हैं तो क्या बोलना है आपको, क्लीन मी बाय रिमूविंग ऑल नेगेटिव थॉट्स। हिंदी में कैसे बोलेंगे कि मेरी सभी नकारात्मक सोच को, क्योंकि अभी ओरा में तो आप सोच रहे हैं ना उसको, तो मेरी सभी नेगेटिव थॉट्स को कृपया क्लीन कर दें, और फिर 3 बार बोलें डिवाइन प्रोटेक्शन रेकी, डिवाइन प्रोटेक्शन रेकी, डिवाइन प्रोटेक्शन रेकी, ठीक है। ये 2 हो गए हम किस तरह से यूज़ कर सकते। तीसरा है आपके लिए फिजिक अटैक। अभी हमने जो बात की थी कि फिजिक अटैक क्या होता है, ये फिजिक अटैक्स जिनको होते हैं ना उन्हें पहले से पता लगने लग जाता है कि अब मुझे ये होगा, क्योंकि उनको थोड़ा सा पहले से इंट्यूशन होने लग जाता है कि अब मेरे साथ ऐसा होगा फिजिक अटैक। तो उसमें आप उसी समय पे क्या स्टार्ट कर सकते हैं, डिवाइन प्रोटेक्शन सराउंड मी, सराउंड मी इट मीन्स कि कोई क्या होता है कि जब फिजिक अटैक होने वाला होता है तो फिजिक अटैक होने वाला होता है तब क्या होता है कि अंदर अंदर कुछ फीलिंग आने लगती है। जब फीलिंग आने लगती है तो उसमें और नेगेटिव एनर्जी आने से वो अटैक में बदल जाती है। तो पहले तो अपने आप को सराउंड कर लो कि जो जब डिवाइन एनर्जी से आप सराउंड हो जाते हैं तो वो जो आपको फिजिक अटैक में बदलने वाली है नेगेटिव एनर्जी उसको शांत कर देते हैं। आपने देखा होगा ना कि कभी कभी कोई बहुत गुस्से में होता है या कुछ ऐसा ऐसा कर रहा होता तो उसको शांत किसी ना किसी तरह से शांत किया जाता है, कोई मंत्र जाप करके करते हैं या कुछ भी करके करते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो फिजिक अटैक आने वाला है जब आपको फीलिंग आ रही है तो वो जो नेगेटिव एनर्जी उसको बढ़ाने वाली है उसको शांत कर देती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे फिजिक अटैक के लिए, डिवाइन प्रोटेक्शन सराउंड मी, डिवाइन प्रोटेक्शन सराउंड मी, डिवाइन प्रोटेक्शन सराउंड मी, और फिर बोलेंगे डिवाइन प्रोटेक्शन रेकी, डिवाइन प्रोटेक्शन रेकी। और डिवाइन प्रोटेक्शन रेकी आप पहले भी बोल सकते हैं और बाद में भी बोल सकते हैं। तो ये होगा हमारा तीसरा। फोर्थ, हम किस तरह से हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे फ़ोन है, कोई भी चीज़ है, गाड़ी है, घर है, कोई भी चीज़ है, उसको आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं चोरी से या टूटने से, ठीक है। तो इस उसमें भी हम डिवाइन प्रोटेक्शन ले सकते हैं। कैसे, इसमें हम उसको वाइट लाइट में एकदम गिरा हुआ फील करेंगे और डिवाइन प्रोटेक्शन रेकी, डिवाइन प्रोटेक्शन रेकी, डिवाइन प्रोटेक्शन, इस तरह से आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ आपकी है, घर को भी कर सकते हैं, कोई भी नॉन लिविंग थिंग, यानी कि नॉन लिविंग थिंग कोई भी है आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम फिफ्थ करते हैं,
अभी तक हमने देखा कि हम अपने लिए कर रहे थे, अब अगर आप किसी और के लिए करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए जब हम इसमें आते हैं तो हमारा एक ड्यूटी बनता है कि जो लोग अनभिज्ञ हैं इससे, या फिर जिनको ये नहीं मालूम है कि ये, वैसे हम किसी से पूछे बिना नहीं कर सकते हैं रेकी, लेकिन उसके भले के लिए, उसके लिए जो से हम प्रेयर करते हैं भगवान से, प्रेयर तो करते हैं ना हम भगवान से किसी के लिए, अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो हम उसके लिए प्रेयर करते हैं, तो उसी तरह से ये हीलिंग भी हम उसको प्रेयर रूप में दे सकते हैं, किसी के लिए कुछ भी गलत नहीं कर सकते हैं, ये हमेशा हम याद रखिए। तो हम किसी पर्सन के लिए कर रहे हैं तो क्या करना है आपको, किसी पर्सन को आप किसी नुकसान से बचाना चाह रहे हैं तो क्या करना है, अपने दोनों हाथों में इस तरह से उस पर्सन को, या तो इस तरह से या फिर इस तरह से, वैसे प्रोटेक्शन जो हमको देना है तो हम हाथों में रख के सेव करके इस तरह से फील करते हैं ना कि वो प्रोटेक्ट हो गया है, तो इस तरह से उसका छोटा रूप को अपने इसमें देखें। और अगर आप फील नहीं कर सकते हैं, विजुअलाइज़ नहीं कर सकते हैं, तो अपने फ़ोन में फ़ोटो निकाल के रख सकते हैं या फिर फ़ोटो रख सकते हैं, अगर विजुअलाइज़ करेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा क्योंकि विजुअलाइजेशन में पावर सबसे ज़्यादा होती है। इस तरह से अपने हाथ में फील करें और तीन बार बोलेंगे डिवाइन प्रोटेक्शन रखिए, डिवाइन प्रोटेक्शन रखिए, डिवाइन प्रोटेक्शन रखिए, और उसके बाद आप जिस चीज़ से प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसका अफर्मेशन दे सकते हैं या फिर विजुअलाइज कर सकते हैं कि उस चीज़ से वो प्रोटेक्ट हो रहा है। जैसे मान लीजिए कोई आप उसका नुकसान होने वाला है या कुछ है, या वो किसी तरह से फिजिकल अटैक से होने वाला है या कुछ है, तो उसमें आप उस चीज़ को फील कर सकते हैं कि वो उस टाइम से निकल गया और कोई नुकसान नहीं हुआ है, इस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिर है, अभी हमने देखा कि नुकसान से प्रोटेक्ट करना, फिज़िकल हो, इमोशनल हो, या कोई चीज़ का हो, ठीक है, उसके लिए हमने देखा। अब हम देख रहे हैं कि उस इंसान को कंफर्ट पहुंचाने के लिए, दूसरे इंसान को कंफर्ट, कंफर्ट मतलब कि उसको कुछ, जैसे कई लोग होते हैं ना कि स्ट्रेट चल रहे हैं लेकिन आप चाहते हैं कि वो खुश रहें हैं, तो कंफर्ट पहुँचाने। अब यहाँ पर हम वो उस कम्फर्ट की बात नहीं करते हैं कि भाई हाँ ऐसी है, ये है, वो है, उसकी बात नहीं करते हैं हम, यहाँ बात करते हैं कि अपने आप को कंफर्टेबल फील कर रहा है इंसान, ठीक है। आप ये चाहते हैं कि नुकसान किसी को वो नहीं पहुँचाना, नॉर्मली जी रहा है अपना, लेकिन आप माँ बाप की जैसे या किसी की भी ये इच्छा होती है कि ये इंसान खुश रहे, कम्फर्ट ले अपनी लाइफ में, तो उसके लिए क्या करेंगे, डिवाइन प्रोटेक्शन विद यूनिवर्स, इसी तरह से हाथों में फील करके डिवाइन प्रोटेक्शन विद यूनिवर्स, ठीक है, ये तीन बात बोलें, ओके। अब हम जो है लास्ट है वो बात करते हैं। अब आप ये जो करेंगे, जितनी भी मैंने ये चार पांच चीज़ें बताई हैं, उसमें ओम को भी बना सकते हैं, ओम बना के और फील कर सकते हैं, उसमें ज़रूरी नहीं है इतना, लेकिन अभी जो मैं बता रही हूँ उसमें ओम बहुत ज़रूरी है। अब है कि आपको यूनिवर्स के साथ वननेस फील करना है, आपको चाहते हैं कि आपको ऐसा लगे कि आप इन सब के साथ एक हैं, डिवाइन के साथ एक हैं, आप खुद डिवाइन पावर हैं, एक फीलिंग आती है ना कि हम, क्या फीलिंग आती है मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन बहुत अच्छी फीलिंग होती है कि हाँ हम उस दुनिया का एक हिस्सा हैं, एक हिस्सा हैं, या खुद हैं, ऑल यूनिवर्स इज इन मी, मेरे अंदर सारा यूनिवर्स है, तो इस तरह की फीलिंग जो आप देख ले